हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजलि किचन सेवन स्टार में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। जिसे बनाने के लिए हम लिए हैं थोड़ा सा आंवला। आलू को पहले से हमने धो करके रख लिया है। सब आलू को हमने इसी काटे वाले चम्मच से ऐसे ऐसे पूरा पिक कर लेंगे। मेरे सब देखिए दोस्तों, सब आंवला पिक हो गया है। अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, जिसे हमने गैस से पहले से ही भगोना चढ़ा दिया है। अब इसमें सारे आंवले हमने पानी में डाल दिया है। गैस को पहले से हमने ऑन करके रखा था पानी रख के गर्म होने के लिए। सारे आंवले इसमें डाल दिए हैं, गर्म हो उबल रहा है। अब हम थोड़ा देर उबलने देंगे आंवले को, 1 से 2-3 मिनट, 4 मिनट इसको थोड़ा से पक जाए बढ़िया से, तब इसको हम निकालेंगे। देखिए अब हमारा आंवला 3 से 4 मिनट हो गया, हमारे आंवला पक गए हैं। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको निकालेंगे इसमें से। हाँ चला जाए, हम बना थे ना। फिर तो सही है। नहीं नहीं चाहता। अरे आउट बल्लू कहाँ बल्लू? कहाँ? अरे यार बोल। देखिए सारा आंवला हमने निकाल लिया है। हमने पहले से जीरा और काला मिर्च और इलायची को गरम करके थोड़ा से भून करके मिक्सर में मिक्स करके रखा था। देखिए हमने लिया है इसको 1 चम्मच के करीब। अब हम इस मुरब्बे को बनाने के लिए रखेंगे कढ़ाई गैस पर। हमने कढ़ाई रख दिया गैस पर। कढ़ाई हमारा गर्म हो, देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालने के लिए लिए हैं, अगर हम 1 kg आंवला लिए हैं तो 1.5 kg चीनी ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि आंवला खट्टा होता है।
थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए गुड़ ऐड करेंगे। ये हमारा देखिए 1/4 kg चीनी है, थोड़ा सा गुड़ है, और इसमें मसाला ऐड करेंगे, जीरा, इलायची, सौंफ और काली मिर्च को हमने भून कर इसको पाउडर बना लिया था। अब हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे गुड़ और चीनी। चीनी को डाल दिया, गैस का फ्लेम धीमे रखेंगे। अब इसमें हमने गुड़ भी डालेंगे, गुड़ भी डालेंगे थोड़ा से, इसको डाल के चलाते रहेंगे। देखिए सब हमें बढ़िया से इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से पूरा रोस्ट हो जाए। और इसमें हमने देखिए आलू को भी डाला है। अब इसको हम बढ़िया से चलाते रहेंगे। बढ़िया से हमारा ये पक जाए, चाशनी बढ़िया से आ जाए इसमें, इससे टेस्ट और बढ़िया आता है। देखिए दोस्तों हमारा चाशनी बढ़िया से तैयार हो गया है, बढ़िया से पक गया है आला। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम बढ़िया से ढक करके रख देंगे। इसको हम दो दिन बाद ही खाएंगे ताकि ये बढ़िया से सूख ले आंवला। तो दोस्तों मेरी रेसिपी कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।